वेलकम टू एग्जाम दिवस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। इंग्लिश के सेक्शन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं या देखे गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या, जिससे आपके सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड आते हैं, ईडियम फ्रेज, जिसमें आपको ईडियम या फ्रेजेस बेस पे दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कई बार। उसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप आपको एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है और उसके बेस पे आपसे तीन या पांच क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। ग्रामर सेक्शन से आपको एरर और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ सेंटेंस फॉर्मेशन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो वोकैब और एरर के क्वेश्चन पहले किए हैं और जो कि हम पढ़ रहे हैं काफी दिनों से, उसके ऊपर बेस क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रीवियस ईयरली जो सीजीएल और सीएचएसएल के क्वेश्चंस हैं, हम वो कवर कर रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स थिंक द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। मैं आपको जब एग्जाम के बारे में बता रहा हूँ तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है कि आप एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं। आपको समझना है जल्दी से जल्दी। स्किमिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आप तेजी से सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट वर्ड पढ़ते हो और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं होते हैं उनको स्किप करते चलते हो, जैसे ऑफ द। इनका अगर आप नहीं पढ़ोगे तभी आप मतलब समझ जाओगे सेंटेंस का। तो उसी तरह आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको स्किम करना है तेजी से और पढ़ना है एक्सप्रेस मीनिंग। आपको यहाँ मीनिंग बतानी है इसकी, कॉपीज की, COPIOUS, कॉपीज। कॉपीज का क्या मतलब होता है? हमारे पास ऑप्शन है वास्ट मतलब ढेर सारा, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर मतलब एक जैसा, सेम, प्लेंटीफुल मतलब ढेर सारा, मैसी मतलब चीज खराब हो रखी हो वो। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा दैट इज प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल का मतलब होता है ढेर सारा, अप्रोप्रिएट आंसर प्लेंटीफुल होगा। कॉपीज इज यूज फॉर अबंडेंस इन सप्लाई एंड क्वांटिटी, मतलब सामान आपके पास ढेर सारा है वहां पे कॉपीज का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए यहाँ पे फिर हम स्किम करेंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और देखेंगे कि लास्ट में क्या है, अपोजिट इन द मीनिंग। अगर आपको दिक्कत हो रही है ये समझने में तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो, लेकिन अभी एग्जामिनेशन आने से पहले प्रैक्टिस करो, वर्क ऑन इट, ठीक है? क्वेश्चन क्या है, अपोजिट मीनिंग बतानी है किसकी, एक्सट्रानियस की, EXTRANEOUS। एक्सट्रानियस में हमारे पास क्या क्या है, यूजुअल मतलब की जो चीज यूजुअल नहीं होती है, डिस्पेरेटेड, रेलेवेंट या इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का मतलब मैंने बताया है, आपको नहीं याद है तो इंट्रूसिव का मतलब बता देता हूँ। इंट्रूसिव का होता है कि जबरदस्ती कहीं घुस जाना, इंट्रूजन होता है जो बॉर्डर पार करके लोग घुस जाते हैं, घर में चोर घुस जाता है उसको इंट्रूजन कहते हैं। रेलेवेंट का मतलब जानते हो कि किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होना। एक्सट्रानियस का मतलब होता है कोई चीज जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इज यूज फॉर समथिंग इररिलेवेंट टू द सब्जेक्ट, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वहां रिलेटेड नहीं है, इररिलेवेंट है। बात कर रहे हैं इंग्लिश की और आप मेरे को बता रहे हो मैथ्स का फॉर्मूला, तो यहाँ तो कोई वो रेलिवेंट रखता ही नहीं है। क्रिकेट का स्कोर आप बता रहे हो कि क्या चल रहा है, तो वो रेलिवेंट नहीं रखता है। तो हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट, RELEVANT। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है, विच वन ऑफ द वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली, मतलब हमको स्पेलिंग बतानी है। अब जब मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप पढ़ा करो तो स्पेलिंग देख के पढ़ा करो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम हमेशा वो चीज माइंड में सेट होती चले। अब देखिए हमारे पास क्या वर्ड है, समानता नहीं होना। अब ऑप्शन देखिए, DISCRIPANCY, DISCREPANCY। अब आप क्या टिक करोगे, देखिए मैं आपको सेकंड दे रहा हूँ, आप देखो समझो, अगर नहीं बता पा रहे हो तो मैं ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे DISCREPANCY, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? जब आप ये वाला ऑप्शन देखते हो तो ये सही होता है। अब इसका मतलब पहले ही बताया, डिस्क्रिप्टिव सेंस फॉर लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी और सिमिलैरिटी बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स, मतलब कि वहां सिमिलर नहीं है, दोनों चीजों में क्या फर्क है वो डिस्क्रिपेंसी बताती है। देखिए यहाँ पे एक एरर वाला क्वेश्चन है, ये ग्रामर का सेक्शन है। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हम पूरा क्वेश्चन, ये मैं कहा कि मैं आपको बार बार हर बार पूरी तरह से नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन देखूंगा उसको सुनूंगा। यहाँ पे एरर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, सेंटेंस हमारा ये दिया हुआ है, हमको इसमें एरर में सेंटेंस बताना है। द स्टेट हैज द लार्जर सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश बीज। अब देखिए द स्टेटमेंट हैज द लार्जर सर्कुलेशन, मतलब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है एक न्यूज़पेपर, ठीक है, as the larger circulation, larger circulation मतलब large का एक form होता है ना, large, larger, largest। यहाँ पे larger
सर्कुलेशन या लार्जेस्ट सर्कुलेशन होना चाहिए ऑफ इंग्लिश डेलीज। डेलीज का मतलब होता है डेली आने वाले न्यूज़पेपर। अब इसमें एरर कहाँ होगा, ए बी सी या डी सेक्शन में, मतलब कि इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, किसमें एरर होगा? यहाँ पे एरर जैसा मैंने कहा कि आपको देखने को मिल जाएगा स्टेटमेंट है लार्जेस्ट। यहाँ लार्जर तब होता है जब दो लोगों के बीच में कंपेयर हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि स्टेटमेंट, ये देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिनेटिव पावर, क्रिएटिव पावर यूज करनी होगी कि आपको समझना है कि वो कहना क्या चाहता है। स्टेटमेंट हैज लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा सर्कुलेशन है। ये थोड़ी ना आप कहोगे कि स्टेटमेंट का कुछ लोगों से बड़ा सर्कुलेशन है, लार्जर का ये मतलब हुआ ना सबसे बड़ा नहीं है, कुछ से बड़ा है, दो चार न्यूज पेपर है जिनसे बड़ा है, ऐसी बातें तो हो नहीं रही है यहाँ। तो यहाँ पे हो लार्जेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लार्ज शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, मतलब दो में कंपेयर नहीं करना है हमको, सुपरलेटिव डिग्री मतलब सबसे बड़ा क्या होता है, सुपरलेटिव मतलब होता है सबसे बड़ा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी देखिए, इसमें भी एरर का क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या है, एड्रेस ये दिया हुआ है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, लेकिन मैं यही कहता हूँ बार बार एग्जामिनेशन में टाइम बचाना सीखना है। पीरियड ऑफ सिक्स ईयर हैव इलैप्स्ड सिंस आई सॉ हर, इलैप्स्ड का मतलब होता है पास्ट, ये कौन सा टेंस है? Since I last saw her, saw भी एक past tense है। अब देखिए इसमें गलत कहाँ पे है, यहाँ पे गलती है have की, क्योंकि have का यहाँ पे had होना चाहिए था। क्यों had होना चाहिए था? Because यहाँ पे tense जो है वो past हो, वो be चुका हुआ tense। फिर से एक और error का question हम देखते हैं। देखिए error और vocab दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको हर एग्जामिनेशन में मिलेगा, चाहे CGL हो, CHSL हो, चाहे UPSC का हो, EPFO हो, या फिर RO के पेपर हो, सारे सेक्शंस आपको अक्सर हर पेपर में देखने को मिलेंगे। सेंटेंस क्या है हमारा यहाँ पे, हमारा यहाँ का सेंटेंस है, फॉर सेवरल इयर्स नाउ मेनी न्यूज़पेपर्स एजेंट हैव बीन स्पेलिंग माय नेम इनकरेक्टली। ये इनकरेक्टली देखिए थोड़ा सा गलत दिख रहा है क्या, इनकरेक्टली क्या अलग अलग होना चाहिए था। अब ये देखो, फॉर सेवरल इयर्स नाउ कई सालों से माय न्यूज़पेपर मतलब मेरा न्यूज़पेपर एजेंट हैव बीन स्पेलिंग, स्पेलिंग का मतलब लिखना होना था ना कि मेरी स्पेलिंग जो है नाम की वो गलत लिख रहा है कई साल से। अब बताइए इसमें क्या हो सकता है, कहाँ गलती हो रही है? जो आपकी गलती है वो है कहीं नहीं, आपका सेवरल इयर्स नाउ सही है, माय न्यूज़पेपर एजेंट हैज बीन स्पेलिंग सही है, माय नेम इन करेक्टली। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे एक डैश होना चाहिए था, इनकरेक्टली लाइन नीचे चली गई है, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बेस्ड है फिल इन द ब्लैंक्स। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, और इस क्वेश्चन में हमको एप्रोप्रिएट टॉपिक यहाँ पे ऐसा चीज भरना है जो इस सेंटेंस को पूरा करता हो। क्वेश्चन कह रहा है, वन ऑफ द रीजंस ऑफ द इंप्रेशनिस्ट कॉज सच अ स्कैंडल वाज देयर कलर हैड टू राइट। सेंटेंस को समझ लो, एक कारण था कि इंप्रेशनिस्ट मतलब जो इंप्रेशन बनाता है, ड्राइंग बनाने वाला या एक्टिंग करने वाला, वो इंप्रेशनिस्ट होता है। वाज सच अ स्कैंडल, ऐसा बवाल, स्कैंडल क्यों क्रिएट किया, वाज देयर कलर्स वर टू ब्राइट, मतलब उसने जो कलर इस्तेमाल किए थे, वहां जो कलर इस्तेमाल होते थे वो बहुत ब्राइट कलर के थे। Because of which, was because of which, नहीं हो सकता, due to, देखो समझो, किस कारण से scandal was due to their color, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मैं एक option में इसको रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि one of the reason the impressionist was such a scandal was due to their color were too bright. अब due to their color, जब हम color के बारे में पहले बताते हैं, तो due to सीधे बताना चाहिए था कि due to color were bright, their color यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब अगला है because. Such a scandal was because their, यहाँ पे कॉमा होगा, was because their colors, मतलब उनका, क्योंकि उनका कलर बहुत वाइब्रेंट था, तो ये हमको सही लग रहा है। Of नहीं हो सकता यहाँ पे, because scandal was of, sentence ही गलत formation हो रहा है, यहाँ की grammatical sentence ही form गलत हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास option में सिर्फ because बचता है, और the second one express reason for the first one, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि, जो हिंदी में कहते हैं ना, क्यों हुआ, ये हुआ, बवाल हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि कलर ब्राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन
है वो भी फिल इन द ब्लैंक्स का है। क्वेश्चन कहता है शी मस्ट समटाइम्स डैश टू रन अवे। हमको यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट वर्ड चाहिए, शी मस्ट समटाइम्स हैज वांटेड टू रन अवे। टेंस की गलती हो रही है सेंटेंस में, हैव वांटेड मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, वो चाहती थी ऐसा करना। हैविंग वांट, हैविंग वांट, हैविंग के साथ वांट नहीं लगेगा, यहाँ कुछ और लगना चाहिए था। हैज वांट ये भी गलत हो रहा है, हैज वांटेड होना चाहिए था, वांटेड होना चाहिए था, हैविंग वांट होना चाहिए था, इसमें से क्या हो? यहाँ पे होना चाहिए था हैव वांटेड, मतलब उसने कई बार ऐसा चाहा है, ऐसा सोचा है। द सेंटेंस कंटेन्स मस्ट, मतलब मस्ट का मतलब होता है कि उसने कंफर्म सोचा है, विच इज ऑलवेज फॉलोड विद अ हैव, मस्ट के साथ हमेशा हैव लगेगा। द करंट सेंटेंस विल बी शी मस्ट समटाइम्स हैव वांटेड टू रन अवे, वो भाग जाना चाहती है, कई बार उसने ऐसा सोचा। अगला फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन जो है वो कहता है द बैंक डिसाइडेड टू डैश देम द मनी एज दे वेयर रिलायबल क्लाइंट्स। बैंक ने डिसाइड किया कि डैश उनको मनी देंगे नहीं देंगे कि क्योंकि वो रिलायबल क्लाइंट थे, मतलब उनके ऊपर बिलीव किया जा सकता था, ट्रस्ट किया जा सकता था। डिसाइडेड टू लेट, लेट मतलब क्या होता है, लेंड मतलब होता है लोन देना, उधार देना, बोरो उनको लेने की बात हो नहीं रही, लीज, लीज देम द मनी, लीज देम, लीज हमेशा समान होता है, मनी हमेशा लेंड होता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। वर्ब लेंड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर बैंक बिकॉज बैंक यूजली गिव लोन्स इस क्लाइंट इंस्टेड ऑफ लेटिंग बोरोइंग और लीजिंग। लीजिंग हमेशा सामान के लिए होता है, लेंड हमेशा जब आप किसी को पैसा देते हो, और बोरो जब आप किसी से लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द ईच क्वेश्चन फोर अल्टरनेटिव्स ऑफ इडियम फ्रेजेस किए हुए हैं, इडियम फ्रेज का दिया हुआ है, और यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा स्मूथ रफल्ड फेदर्स। अब देखो मैं ऑप्शन जाने से पहले ही आपको कुछ चीजें यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्मूथ का मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, बहुत ही मुलायम, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छा सा। रफल्ड मतलब होता है खराब हुआ हुआ, स्मूथ रफल्ड फेदर्स, फेदर्स जो पंख, मतलब जो खराब पंख हैं या इधर उधर बिखरे हुए हैं, इसको कहते हैं बिखरे हुए पंखों को स्मूथ करना। ठीक, अब यहाँ पे देखो कॉम अनटाइडी हेयर्स मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, टसल समवनस हेयर्स स्ट्रोक अप पैटर्न। देखो जब मैंने एक चीज बताई कि बालों को यहाँ रफ, फेदर्स को यहाँ ठीक करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे किस चीज को ऐसा यूज कर सकते हैं, स्ट्रोक अ पेट एनिमल मतलब उसके को चलाने की बात हो रही है, स्ट्रोक कर पेट एनिमल, यहाँ ये बात हो रही है, टसल समवन हेयर मतलब किसी के बाल से खिलवाड़ करने की बात हो रही है, मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड या किसी को कम ऑफेंड करने की बात हो रही है, या कम अनटाइडी हेयर। अब देखिए यहाँ पे बाल की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिचुएशन की बात हो रही है, फेदर्स यहाँ सिचुएशन की बात हो रही है। ठीक है, आंसर होगा मेक पीपल लेस ऑफेंडेड, मतलब कि कोई ऐसी खराब सिचुएशन को फेदर्स जिसको सिचुएशन पॉइंट आउट कर रहा है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, खराब को ठीक स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेक पीपल फील लेस ऑफेंडेड, उनको कम बुरा लगे ऐसी करने की कोशिश की जा रही है। द इडियम स्मूथ रफल फेदर इज यूज्ड टू अटेम्प्ट काम और प्लेसेड समवन हु इज एनॉयड इरिटेटेड और अपसेट, जो मतलब बुरा माना हुआ, ये चीज मैंने आपको बताई कि उसको शांत करने की कोशिश की जा रही है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अगर आपकी कोई क्वेरी है, कहीं डाउट हो रहा है, प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और हमसे पूछिए। थैंक यू।